हैप्पी ऑर्थोडोंटिस डे। तो अनुसारण मेरी प्यार परी सत श्रीकाल। मैं डॉक्टर लखवीर, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। आज तो आनू ब्रेसिस दे कुछ मिथ्स के बारे जानकारी देना है। सब तो पहला मिथ तो लोगों को यही लगता है कि ब्रेसिस दे नाल बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब असी तारा लगाई दी है तो पेशेंट नू थोड़ा जा एडजस्ट होने विच प्रॉब्लम आती है। जिवें ही एडजस्टमेंट पीरियड ठीक हो जाता है तो बच्चे की पेन ठीक हो जाती है। फिर पेशेंट्स नू ये लगता है कि ब्रेसिस का इलाज 2-3 साल चलता रहता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर सिर्फ माइनर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो ब्रेसिस 6-8 महीने साल के ब्रेसिस का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। फिर पेशेंट्स नू कईयों लगता है कि असी 30-35 साल के हो गए या 40 साल के हो गए तो हुण साढ़े तारा का इलाज नहीं हो सकता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ब्रेसिस इक्वली उन्ने ही असरदार है ओल्ड एज के विच भी, तुसीं आराम दे नाल इहदा ट्रीटमेंट करा सकते हो। फिर पेशेंट्स नू कईयों ये लगता है कि सिर्फ मैटल ब्रेसिस साढ़े लिए एक ऑप्शन है, तो ऐसा भी कुछ नहीं। अजकल क्लीयर ब्रेसिस भी आ गए, इनविजिबल ब्रेसिस भी आ गए, अलाइनर्स आ गए ने जिन्हां दे तुसीं सब कुछ खा पी भी सकते हो और वो दिखते भी नहीं है। फिर कई पेशेंट्स नू ये लगता है कि ब्रेसिस का इलाज सिर्फ सोहने दिखन लई हुंदा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं। कई केसिस में जिन्हां पेशेंट्स नू TMJ जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिन्हां दे दंद टेढ़े मेढ़े करके उन्हां नू जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हां नू डीप पाइट माल ओकलूजन है उन्हां नू भी TMJ जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इन्हां केसिस विच भी असीं तारा लगा के दंद सही करके उन्हां दे जॉइंट्स की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। फिर कई पेशेंट्स नू ये लगता है कि ब्रेसिस दे नाल असीं अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तुसीं माउथ गार्ड लगा के अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स खेल सकते हो। कई पेशेंट्स नू ये लगता है कि असीं अपने पसंदीदा माउथ ऑर्गन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले कर सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ब्रेसिस दे नाल तुसीं आराम दे नाल अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हो, सिंगिंग तक भी कर सकते हो, कोई उहदे च प्रॉब्लम नहीं आउंदी। फिर कई पेशेंट्स नू ये लगता है कि असीं अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुसी बस उसकी फॉर्म चेंज करनी है। अगर तुहानू चिकन पसंद है तो तुसी बोनलैस चिकन खा सकते हो, अगर तुहानू पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है तो तुसी वह भी खा सकते हो। बस सिर्फ सॉफ्ट होना चाहिए, थिन क्रस्टी पिज़्ज़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पिज़्ज़ा, सॉफ्ट पिज़्ज़ा तुसी खा सकते हो। बादाम वगैरह भी खाने हैं तो तुसी पीस के दुध विच पा के खा सकते हो। बिस्किट वगैरह लेने हैं तो ज़्यादा विच डिप करके खा सकते हो। ब्रेसिस के बारे होर वधेरे जानकारी लई तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।